नमस्कार मैं शीतल मीना लेक्चरर मेकेिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर राजस्थान आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है पैटर्न अलाउंसेस सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न अलाउंसेस अवेलेबल तो पैटर्न बनाने से पहले हमें ये देखना है कि पैटर्न की साइज़ हमें किस प्रकार बनानी है तो जो हमें फाइनल कास्टिंग जो हमारी बनकर तैयार होगी उसमें क्या होता है कि ड्यू टू सम मेटालॉजिकल रीज़न जो लिक्विड फॉर्म में जो मेटल है वो सॉलिडिफाई होने के बाद सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसमें श्रिंकेज होता है यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वह कम इंप्रेस हो जाता है तो इसकी वजह से हमें पैटर्न की साइज़ बढ़ानी पड़ती है और भी काफ़ी सारे अलाउंसेस हमें देने पड़ते हैं मैकेनिकल चेंजेस की वजह से जैसे कि मशीनिंग अलाउंस ड्राफ्ट डिस्ट्रॉशन शेक अलाउंसेस तो आइए वन बाय वन हम इनकी स्टडी करते हैं तो टाइप ऑफ पैटर्न अलाउंसेज में आप देख सकते हैं देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अलाउंसेज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस मशीनिंग और फिनिश अलाउंस ड्राफ्ट एंड टेपर अलाउंस डिस्ट्रॉशन ऑफ चैम्बर अलाउंस शेक और रैपिंग अलाउंस तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं श्रिंकेज अलाउंस ऑलमोस्ट ऑल द कास्ट मेटल्स श्रिंक और कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूमेट्रिकली ऑन कूलिंग तो ठंडा होने पर क्या होते हैं श्रिंक होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है वॉल्यूमेट्रिकली तो ये जो श्रिंकेज है वो दो तरीके के हो सकते हैं लिक्विड श्रिंकेज एंड सॉलिड श्रिंकेज तो लिक्विड श्रिंकेज में क्या है कि इट इज़ रिडक्शन इन वॉल्यूम वेन मेटल चेंजेस फ्राम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट टू अकाउंट फॉर दिसंकेज राइजर विच फीड द लिक्विड मेटल टू द कास्टिंग आर प्रोवाइड इन द मोल्ड तो उसकी जो श्रिंकेज को नलीफाई uh, करने के लिए हम एक राइजर uh, लगाते हैं मोल्ड कैविटी में जिसमें एक्स्ट्रा मेटल फिल करके रखते हैं तो श्रिंकेज होने के बाद भी वो पर्टिकुलर लिक्विड मेटल को कास्टिंग पे तो कास्टिंग में भेज सकता है दूसरा जो है दैट इज़ सॉलिड श्रिंकेज तो ये रेफर करता है कि इट इज़ द रिडक्शन इन वॉल्यूम कॉस्ट एन मेटल लूजेज़ टेम्परेचर इन सॉलिड स्टेट तो सॉलिड स्टेट में जब टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा तो उस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा उसमें वापस एक अलाउंस देना पड़ेगा टू अकाउंट फॉर दिस श्रिंकेज श्रिंकेज अलाउंस इज प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्नस तो इस तरीके से उसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज करके रखी जाती है ताकि वो रिड्यूस होने पर भी जो हमें साइज चाहिए कास्टिंग की वो हमें प्राप्त हो then uh, almost all cast metal shrink or contract volumetrically after solidification therefore pattern to obtain a particular size casting is made oversized जैसे कि मैंने आपको बताया उसकी size जो है वो बड़ी बनानी पड़ती है different metal shrink at different rates तो अब यहाँ पर क्या है कि हर एक metal की जो shrinkage rate है वो अलग अलग होती है और मेटल जो श्रिंक होता है वो डिपेंड करता है कि द तो कास्ट यानी कास्टिंग के लिए हम कौन से मेटल या अलॉय का इस्तेमाल कर रहे हैं हम जब मेटल को लिक्विड फॉर्म में पोर कर रहे हैं डाल रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है कास्टेड डायमेंशनस कितने हैं कास्टिंग डिज़ाइन एस्पेक्ट्स क्या हैं और मोल्डिंग कंडीशन क्या क्या है जैसे कि मोल्ड मटेरियल या कौन सा मोल्डिंग मेथड आप यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पर इस चार्ट में देख सकते हैं तेरा देर इज़ कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस फॉर डिफरेंट मेटल्स तो डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट अलायस के जो कॉन्ट्रेक्शन अलाउंस है वो मिली मीटर पर मीटर्स में दिए गए हैं तो देर आर सो मेनी डिफरेंट मेटल्स अवेलेबल फॉर एक्जाम्पल ग्रे कास्ट आयरन में सेवन टू टेन पॉइंट फाइव मिली मीटर्स पर मीटर कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड वाइट कास्ट आयरन में ट्वेंटी वन मिली मीटर पर मीटर्स होते हैं द कन्ट्रेक्शन ऑफ मेटल और अलाय है वो ऑलवेज वॉलूमेट्रिक होते हैं बट जो कॉन्ट्रेक्शन अलाउंस जो हम बताते हैं दैट इज एक्स एक्सप्रेसड इन लीनियर मेजरमेंट देन, नेक्स्ट जो है वो है हमारा मशीनिंग अलाउंस अकास्टिंग इज गिवन एन अलाउंस फॉर मशीनिंग यानी कि बाद में हमें जो इस पर मशीनिंग करनी है सरफेस फिनिश को इम्प्रूव करने के लिए उसके लिए भी हमें पहले से अलाउंस प्रोवाइड करना होगा the so, casting gets oxidized in the mold during heat treatment scales thus form need to be removed तो so, casting process के दौरान जो surface जो ख़राब हो जाता है उसे हमें clean करना होता है तो so, इस वजह से कुछ उसका dimension reduce हो जाता है तो so, it is intended to remove surface roughness भी हमें हटानी होती है other imperfections भी तो so, it is required to achieve exact casting dimensions के लिए तो so, surface finish is required on the casting तो so, casting में जो surface finish प्रोवाइड करने के लिए हमें पहले से ही मशीनिंग अलाउंस दिए जाते दिए जाने होते हैं देन हाउ मच एक्स्ट्रा मेटल और हाउ मच मशीनिंग अलाउंस शुड बी प्रोवाइडेड यानी आप कितना मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड करेंगे वो भी डिपेंड करता है कि आपका कौन सा मेटल है आप कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हो तो इसमें जो नेचर ऑफ मेटल्स हैं वो डिपेंड करते हैं साइज और शेप ऑफ द कास्टिंग डिपेंड करता है द टाइप ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन टू बी एम्प्लॉयड और क्लीनिंग द कास्टिंग कास्टिंग कंडीशंस क्या क्या है और कौन से मोल्डिंग प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हो तो इसमें भी इस चार्ट में आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर जो डायमेंशन है आपके कास्टिंग का उसके अकॉर्डिंगली हम मशीनिंग अलाउंस देंगे जो कि मिलीमीटर्स में होंगे जैसे कास्ट आयरन में अगर जो डायमेंशन है वो अप टू थ्री हंड्रेड एम है तो उसमें हमें अलाउंस देना है टू पॉइंट फाइव एम एम और तीन थ्री हंड्रेड से सिक्स हंड्रेड के बीच में जो है उसमें हमें अलाउंस देना है फोर एम एम तो इस तरीके से हम मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड करेंगे वेरियस मेटल्स पर तीसरा जो है वो है आपका ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस इट इज़ गिवन टू ऑल सर्फेसिज परपेंडिकुलर टू पार्टिंग लाइन तो यहाँ पर जो हमारी पार्टिंग लाइन जो है यानी कि कोप और ड्रैक दो जो पीसेज हैं हमारे मोल्डिंग क्लास के उसके बीच की जो पार्टिंग लाइन है उससे जो परपेंडिकुलर सर्फेसिस होते हैं उसमें हमें अलाउंस प्रोवाइड करना पड़ता है तो ड्राफ्ट अलाउंस इज गिवन सो दैट द पैटर्न कैन ईजिली तो पैटर्न आसानी से रिमूव हो सके विदाउट डैमेजिंग द मोल्ड कैविटी तो द अमाउंट ऑफ टेपर जो है तो यानी हमें कितना टेपर अलाउंस देना है तो वो डिपेंड करेगा शेप एंड साइज ऑफ द पैटर्न इन डेप्थ यानी कि उसकी डेप्थ कितनी है मोल्डिंग मेथड कौन सा है मटेरियल कौन सा है मोल्ड का ड्राफ्ट अलाउंस इज इंपॉर्टेंट ऑन इंटरनल एज एज वेल एज एक्सटर्नल सर्विस दोनों पर ही दिया जा सकता है दैन ज़्यादातर इंटरनल सर्विस पर दिया जाता है तो आप इस डाइग्राम की मदद तो से इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं तो टेपर इज़ प्रोवाइडेड बाथ द पैटर्न मेकर ऑन ऑल द वर्टिकल सर्फेसिज सो दैट इट कैन बी रिमूव फ्रॉम द संड विदाउट एयरिंग अवे साइड्स ऑफ द सैंड मोल्ड मोल्ड कैविटी हमारी ख़राब नहीं होनी चाहिए तो इस तरीके से हमें उस पैटर्न को रिमूव करना है जो परपेंडिकुलर पैटर्न है बिल्कुल सीधे में आप उसको रिमूव करोगे तो सैंड ब्रेक हो सकती है तो इसलिए हमें थोड़ा सा टेपर प्रोवाइड करना होता है जैसे कि आप इस डाइग्राम में दे देख सकते हैं तो इसमें क्या है हियर द मोमेंट ऑफ पैटर्न लिफ्टिंग कमेंसेज ऑल ऑफ इट सर्फेसिज आर वेल अवे फ्रॉम द सैन द पैटर्न कैन बी रिमूव विदाउट डैमेजिंग द मोल्ड कैविटी तो इस तरीके से अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो हमारी मोल्ड कैविटी जो है वो डैमेज नहीं होगी ड्राफ़्ट अलाउंस भी हम पर्टिकुलरली डिफरेंट मटेरियल में उसकी हाइट ऑफ़ द गिवन सर्फेस के अकॉर्डिंगली हम ड्राफ्ट एंगल ऑफ़ द सर्फेसिज डिग्रीज में देंगे यानी टेपर एंगल हमें देना है कितना देना है तो वो एक्सटर्नल सर्फेस के लिए अलग अलग रहता है इंटरनल सर्फेस के लिए अलग रहता है तो फॉर एग्जाम्पल अगर वुड है और दैट इज़ हाइट उसकी अप टू ट्वेंटी एम एम है तो उसमें एक्सटर्नल सर्फेस थ्री एम एम का आप दे सकते हो uh, दैट इज़ डिग्रीज़ में एक्चुअली थ्री डिग्रीज दे सकते हैं एंड इंटरनल सर्विस में भी थ्री डिग्रीज दे सकते हैं तो ड्राफ्ट एंगल ऑफ सर्विसज यानी एंगल में हम हमारा ड्राफ्ट अलाउंस प्रोवाइड करेंगे देन यहाँ पर भी आप ड्राफ्ट अलाउंस का डायग्राम देख सकते हैं देर आर टू डिफरेंट डाइग्राम्स लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो विदाउट एनी ड्राफ्ट अलाउंस एंड राइट साइड में आप टेपर में आपने ड्राफ्ट अलाउंस दिया है तो किस तरीके से आप आसानी से आपके पैटर्न को रिमूव कर सकते हो विदाउट डैमेजिंग द मोल्ड कैविटी नेक्स्ट है डिस्टॉर्शन और कैम्बर्ड अलाउंस अ अकास्टिंग विज डिस्टॉर्ट और रैप यानी ख़राब हो सकती है अगर इट इज़ ऑफ इरेगुलर शेप की हो ऑल ऑफ इट्स पार्ट डो नॉट अब यहाँ पर क्या होता है कि जो उसके जो पार्ट्स हैं पर्टिकुलरली वो एक तरीके से श्रिंक नहीं हो रहे हैं कंप्रेस नहीं हो रहे हैं कहीं पे ज़्यादा हो रहे हैं कहीं पे कम हो रहे हैं तो यहाँ पर जो है हमारे कास्टिंग के शेप चेंज हो सकते हैं तो यू और वी शेप हो सकती है द आर्म पर्ज इज थिकनेस तो उसमें जो कास्टिंग के डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें चेंजेस आ सकते हैं इट हैज़ लॉन्ग रेंगी आर्म्स एज दोज अ प्रॉपुलर स्टार्ट फॉर द शेप लॉन्ग फ्लैट कास्टिंग जो है उसमें हो सकता है वन पोर्शन ऑफ द कास्टिंग कूल सकता है फास्टर रेट एज कम्पेयर टू अदर अनादर तो कुछ पोर्शन जल्दी ठंडे हो रहा है कुछ पोर्शन धीरे ठंडा हो रहा है तो टेम्परेचर डिफरेंसेस आ जाते हैं तो इस तरीके से जो डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसके लिए हमें पहले से ही डिस्ट्रॉशन अलाउंस प्रोवाइड करना होता है तो आप देख सकते हैं जैसे हमारा जो रिक्वायर्ड जो शेप है दैट इज़ आई है और डिस्ट्रॉट कास्टिंग में क्या है थोड़ा सा वो ऑलरेडी मुड़ा हुआ है तो इस तरीके के आप अगर अलाउंस देंगे डिस्टॉर्टेड और कैम्पर्ड अलाउंस तो बाद में आफ्टर जो श्रिंकेज है आफ्टर कंप्रेशन है वो हमारे प्रॉपर शेप में आ जाएगा तो आप जैसा देख सकते हैं यू शेप कास्टिंग के लिए आपको किस तरीके के अलाउंस देने हैं देन फर्स्ट वन तो हमारा रिक्वायर्ड शेप है सेकेंड एंड जो थर्ड है वो हम अलाउंस प्रोवाइड कर रहे हैं आई सेक्शन में आप देख सकते हैं कि हमें आई सेक्शन चाहिए तो हमने थोड़ा सा मुड़ा हुआ शेप उसको प्रोवाइड किया है नेक्स्ट है आपका शेक अलाउंस तो अ पैटर्न इज शेकन और रैप्ड बाय स्ट्राइकिंग द सेम विद अ वुडन पीस फ्रॉम साइड टू साइड दिस इज़ डन सो दैट द पैटर्न लिटिल इज़ लूजन इन द मोल एंड कैन बी इजली रिमूव यानी पैटर्न को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको किसी वुडन पीस से हम उसको स्ट्राइक करते हैं यानी उस पर हथौड़े की मार मार सकते हैं वुडन पीस की मारते हैं ताकि वो धीरे धीरे वो अपनी जगह से हिल जाए अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए तो आ, बेसिकली जो है मोल्डिंग फ्लास्क को हम आ, कुछ वुडन पीसेस के जरिए ही उसको स्ट्राइक करते हैं इन टर्न दे वो रैपिंग एंड लार्जेस्ट द मोल्ड कैविटी तो सैंड क्या है थोड़ा थोड़ा खिसकेगी तो फिर पैटर्न को थोड़ी जगह मिलेगी निकलने के लिए हैंस नगेटिव अलाउंस प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न पैटर्न कैप्ट स्मॉलर तो पैटर्न का डायमेंशन छोटा रखा जाता है ताकि धीरे धीरे उसको निकाला जा सके द मैग्नीट्यूड ऑफ शेक अलाउंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द टेपर तो टेपर की वजह से भी आप शेक अलाउंस कम कर सकते हो अगर आपने पहले से टेपर दे रखा है तो अदरवाइज आप शेक अलाउंस में आप पैटर्न की साइज़ इस तरीके की रखिए तो आप धीरे धीरे जब सैंड को उसके पास से हिलाओगे खिसकाओगे किसकी एक वुडन के पीस की मार से तो वो आसानी से उसमें से निकल जाए देन हम देखेंगे नेक्स्ट जो है दैट इज़ पैटर्न का जो लेआउट है वो कैसे बनाते हैं और पैटर्न का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन पैटर्न लेआउट में तो सबसे पहले हमें हमारे पास ड्राइंग होनी चाहिए कि पैटर्न का क्या रिक्वायर्ड डायमेंशंस हैं क्या रिक्वायर्ड शेप है तो मेक टू व्यूज ऑफ द पार्ट ड्रॉइंग ऑन शीट यूजिंग श्रिंक रूल देन श्रिंक रूल जो है इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एन ऑर्डिनरी स्केल विच हैज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ जैसे आप ड्रॉइंग में आप श्रिंकेज स्केल की मदद से ड्रॉइंग बनाते हैं जैसे कास्टिंग की साइज जो ओरिजिनल साइज जो काफ़ी बड़ी होगी उसको रिड्यूस्ड स्केल की मदद से आप ड्रॉइंग बनाइए देन उसमें अलाउंसेस भी एज पर रिक्वायरमेंट उसकी जो डायमेंशनस हैं वो कितनी कम करनी है कितनी ज़्यादा रखनी है वो आप देख लीजिए डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ मोल्डिंग प्रोवाइड द ड्राफ्ट अलाउंस आपको कितना देना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं पहले से देन उसके कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं स्टडी द पैटर्न लेआउट को हम देख के यानी पैटर्न की पूरी डिजाइन देख के उसकी ड्राॅइंग देख के हम लोकेशन ऑफ द पार्टिंग सरफेस डिसाइड करते हैं देन नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच द पैटर्न विल बी मेड देन जैसे कि हमने पढ़ा था सिंगल पीस स्प्लिट पीसेस लूज पीस तो हमें किस तरीके का पैटर्न बनाना है वो हम डिसाइड करते हैं देन यूजिंग द वेरियस हैंड टूल्स एंड पैटर्न मेकिंग मशीन्स हम क्या करेंगे उसके डिफरेंट पार्ट्स तैयार करेंगे देन इंस्पेक्ट द पैटर्न एज रिगार्ड्स द अलाइनमेंट ऑफ डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द पैटर्न के अलग अलग पोर्शन अपनी सही जगह पर है कि नहीं है उसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक कीजिए देन फिल द वैक्स इन ऑल द फिलट्स इन ऑर्डर टू रिमूव शार्प कॉर्नर्स शार्प कॉर्नर्स को रिमूव करने के लिए आप उसको वैक्स से फ़िल कर सकते हैं देन गिव द कोटिंग्स टू द पैटर्न देन एम पार्ट सुटेबल कलर्स टू द पैटर्न फिर उसमें डिफरेंट कलर्स किए जाते हैं ये पता करने के लिए कि मेन पार्ट कौन सा है और लूज पीस पार्ट कौन सा है देन अदर असेंबल करने वाले पार्ट्स कौन से हैं तो वो हम कलर के जरिए डिनोट करते हैं तो पैटर्न कलर्स किस तरीके के होते हैं पैटर्न कलर्स आर इम्पॉर्टेंट सर्टन कलर्स एंड शेड्स इन ऑर्डर टू यानी पैटर्न के ऊपर हम कुछ कलर्स करते हैं ये पता करने के लिए टू आइडेंटिफाई क्विकली मेन बॉडी ऑफ द पैटर्न डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पैटर्न देन टाइप ऑफ द मेटल यानी कौन से मेटल से उसकी कास्टिंग बनाई जानी है कोर प्रिंट्स कहाँ कहाँ पर लगाने हैं लूज पीसेस कौन कौन से हैं विजुअलाइज द सरफेस यानी कौन कौन से सरफेसेस पे आपको बाद में मशीनिंग करनी है तो वो हम डिफरेंट कलर से इंडिकेट करेंगे So the patterns are normally painted with contrasting colors, such as the mold maker would be able to understand the functions clearly. So आप देख सकते हैं जैसे कि कुछ colors के indications देख सकते हैं red और or orange on the surface not to be finished and left as the cast। यानी red और or orange के surface को छेदना नहीं है, उनको as it is रहने देना है। Yellow surfaces जो हैं, उनको हमें बाद में machining करनी है। Black जो है, that is core prints रहेंगे for unmachined openings। यानी वहाँ पर आपको openings में core प्रिंट फिक्स करनी है देन येलो स्ट्रिप्स जो दिए हैं ऑन ब्लैक ब्लैक के ऊपर ब्लैक कलर के ऊपर अगर येलो स्ट्रिप्स है तो दीज आर ऑन द कोर प्रिंट्स फॉर मशीन ओपनिंग्स यानी कुछ ओपनिंग्स में आप मशीनिंग करनी है और कुछ ओपनिंग्स में आपको मशीनिंग नहीं करनी है तो ग्रीन ऑन सीट्स ऑफ और फॉर द लूज पीसेस लूज कोर प्रिंट्स तो ग्रीन कलर वहाँ पर लगाना है जहाँ पर आप लूज पीस फिक्स करोगे या लूज कोर प्रिंट्स एंड डायगनल ब्लैक स्ट्रिप्स जो है डायगनल अगर डायरेक्शन में है तो दैट इज़ विथ क्लियर वार्निश ऑन द स्ट्रेंथ एंड द वीकन वीक पार्ट्स और टू शॉर्ट इन कास्टिंग तो अगर कास्टिंग को रिड्यूस करना है तो वो जो है आपका जो है ब्लैक स्ट्रिप्स में डिनोट करते हैं तो इस तरीके से डिफरेंट कलर डिफरेंट पोर्शन ऑफ द पैटर्न डिनोट करते हैं तो आज हमने पैटर्न कंस्ट्रक्शन देन टाइप्स ऑफ अलाउंसेस स्टडी किए थैंक यू वेरी मच